स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 14B से क्वेश्चंस। टोटल 12 क्वेश्चन है, वन बाई वन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला है कि इन फिगर 14.65 इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, AB जो है AC के इक्वल है, यानी कि ये जो एंगल B होगी एंगल C के इक्वल होगी। एंड एक्स वाई पैरेलल BC, ये भी दिया हुआ है। प्रूव दैट BC बाई X इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे कि सिंस AB इज इक्वल टू AC, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, तो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपोजिट साइड्स के इक्वल में, इक्वल अपोजिट साइड्स के बराबर में एंगल्स भी इक्वल होने वाले हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया ही हुआ है। अब एंगल AXY इज इक्वल टू एंगल B, और ये क्यों हुआ, ये हुआ आपका करिस्पॉन्डिंग एंगल सिंस XY पैरेलल BC। ये वाली जो एंगल है बिल्कुल इस वाली के इक्वल होगी। और ये क्यों इक्वल होने वाली है, इक्वल इसलिए होने वाली है क्योंकि ये करिस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये आपस में इक्वल और ये इसके करिस्पॉन्डिंग इक्वल। अब यहाँ पे एंगल B की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल AXY इज इक्वल टू एंगल B की जगह पे क्या लिख दूं मैं, एंगल C। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। यानी कि क्या लिख सकते हैं हम कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCYX इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल C। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल BCYX इज साइक्लिक। ठीक है, हो गया ना, क्या हो रहा है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो इसका मतलब ये BCYX एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि इन फिगर 14.66 इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एक्सटीरियर XCD इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल A। एक्सटीरियर XCD इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल A, प्रूव करना है कि दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखो वहां तो हमने दूसरा थ्योरम यूज कर दिया था, अब यहां ऑलरेडी बोल रहा है, तो वो सेम थ्योरम अगर हम लिखेंगे तो वो कोई समझदारी नहीं होगी। तो यहां पे हम लोग कुछ और करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, हम यहां लिखते हैं कि एंगल XCD, एंगल XCD प्लस एंगल BCD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन है, कौन सी स्ट्रेट लाइन है, BCX, ठीक है, BCX स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों एंगल्स मिला के कितने हो गए, 180 डिग्रीज हो गए। अब आपको पता है कि जो XCD है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A लिख सकते हैं प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि ये जो A हुआ और ये जो BCD हुआ, इन दोनों का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। तो अब सिंस सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 180 डिग्रीज, देयरफॉर इट्स साइक्लिक। तो इसलिए कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ऑलरेडी एक्सटीरियर इंटीरियर अपोजिट के इक्वल दिया था, तो इसको इस तरीके से प्रूव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 3। इन फिगर 14.67 PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल
विथ पी क्यू इक्वल टू पी आर। अब यहां पे ये जो आपका पी क्यू है पी आर के इक्वल है, अगेन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अ सर्कल पासिस थ्रू क्यू एंड आर इंटरसेक्ट द साइड्स पी क्यू एंड पी आर एट एस एंड डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे S पे और T पे, यहाँ पे सर्कल क्या कर रहा है, इस ट्रायंगल को इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट क्यू आर पैरेलल एस टी। आपको प्रूव करना है कि ये जो क्यू आर है ये एस टी के पैरेलल है। ये भी काफी इजी है। देखो, सिंस ए पी क्यू इक्वल टू पी आर क्या है, सिंस पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, तो देयरफॉर एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर। ये चीज हो गई, एंगल क्यू किसके इक्वल है, एंगल आर के। ऑल्सो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस टी पी, क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। और पूरी चीज लिखनी है, थ्योरम नंबर 10 है वो, ठीक है पूरा। तो ये वाली एंगल भी इसके इक्वल हो गई, ये एंगल क्यू के इक्वल है। क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल आर लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं एस टी पी, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल क्यू एंगल आर के इक्वल है। तो यहां पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गई, यानी इसको इसके इक्वल लिखा दिया। फॉर्म कर रहा है क्या, फॉर्मिंग करेस्पॉन्डिंग एंगल, देयरफॉर एस टी पैरेलल क्यू आर। अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, दो लाइन पैरेलल होंगी, ये दो लाइन ऐसे पैरेलल होंगी, तभी पॉसिबिलिटीज है कि ये वाली एंगल इसके इक्वल होगी। और ये दोनों आपस में अगर इक्वल हो रही हैं, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये जो दो लाइंस जा रही हैं, ये पैरेलल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि इन फिगर 14.68 एबी इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल। ये जो ए बी है ना, कॉमन कॉर्ड है दोनों सर्कल का, यानी ये कॉर्ड दोनों में लाई करता है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। इफ ए सी एंड ए डी आर डायमीटर, अच्छा ए सी डायमीटर ए डी डायमीटर, प्रूव दैट डी बी सी आर इन ए स्ट्रेट लाइन, और जो सेंटर है ओ वन ओ टू आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कल। अच्छा ठीक है, इसको हमको क्या प्रूफ करना है, इसको हमको प्रूफ करना है स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये हमको एसी तो डायमीटर दिया ही हुआ है, अगर हमारे पास ये एसी डायमीटर दिया हुआ है और एडी डायमीटर दिया हुआ है, तो तुम देखो कि एंगल एबीसी, एंगल एबीसी की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, दूसरा आपका है एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी ये भी, इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। इसके लिए भी सेम रीजन कि ये भी एंगल इन सेमी सर्कल है, इधर से भी ये एंगल इन सेमी सर्कल है। ठीक है, नाउ एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू हाउ मच, 90 प्लस 90, और ये कितना हो गया, 180 डिग्री। और ए बी सी, ए बी सी और ए बी डी ये पूरा मिला के कितना हो गया, 180 डिग्री, किसके लिए, एंगल सी बी डी के लिए। तो देयर फोर सी बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो सीबीडी क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 14.69 एबी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज ओ। ये डायमीटर है और ये इसका सेंटर है ओ। एडी एंड बीसी आर परपेंडिकुलर टू द लाइन एक्स वाई। ये दोनों परपेंडिकुलर है, देखो यहां पे 90 बना है
उसी तरीके से यहां पर भी 90 आपका बना हुआ है, परपेंडिकुलर है कहां पे, एक्स वाई पे। CB meets the circle at E. CB meet करता है सर्कल पे E पे। प्रूव करना है कि CE is equal to AD. हमने सबसे पहले क्या किया, ज्वाइन किया AE को। हम यहां लिख दिए कि ज्वाइन कर रहे हैं हम AE को। AE को हमने जैसे ही ज्वाइन किया तो वैसे ही ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। एंगल AEB, एंगल AEB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और रीजन क्या होगा कि ये एंगल है इन सेमी सर्कल। तो अगर AEB 90 डिग्री है तो इसके बगल वाली एंगल कितनी होगी, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल AEC, AEC is equal to 180 minus 90 is equal to how much? 90 degree. ये भी कितना आएगा? 90 आएगा। ये सब तो already 90 है। तो there तो angle ADC is equal to angle AEC, ADC AEC is equal to angle ECD, और बचेगा ये एंगल तो ये भी 90 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू एंगल डी ए इज इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्री। अरे देखो ना, यहां 90, यहां 90 और यहां ऑलरेडी 90, तो तीन 90 है तो ये फोर्थ वाला भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो देयर फोर ये जो क्वाड्रिलेटरल बना तुम्हारा ए ई सी डी, ए ई सी डी इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल है तो देयरफॉर ये जो AD हुआ इक्वल टू CE, AD इज इक्वल टू CE। यही प्रूफ करना था, CE इज इक्वल टू AD, हमने प्रूफ कर दिया। अरे क्यों हुआ ये, क्योंकि अपोजिट साइड्स इन रेक्टेंगल आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना, रेक्टेंगल में। पहले रेक्टेंगल प्रूफ किया तो अब ये इक्वल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 14.70 एबी एंड सीडी आर पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज एसी, प्रूव दैट एबी इज इक्वल टू सीडी। यहां इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये कॉर्ड्स आपस में पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल है। हम क्या करेंगे, इसको यहां ज्वाइन करेंगे और इसको यहां ज्वाइन करेंगे, ठीक है। पता भी नहीं स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, यहां हमने ओ लिखा। अब दोनों ट्रायंगल्स में देखो क्या ये रेडियस है, बिल्कुल है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। क्या ये भी रेडियस है, हाँ, तो ये भी रेडियस है। इसके अलावा और क्या करना था, ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है, ठीक है। ये वाली एंगल क्या हुई, आपका इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल हुई, हुई कि नहीं हुई। तो देखो यहां पे ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, वही यहां साइड, एंगल और साइड। तो ये क्या हुआ, ये ट्रायंगल इसके बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो गया एसएएस एक्सियम से। तो यहां लिखते हैं एम ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल कौन सी है, बी ओ सी। लिखते हैं यहां पे कि डी ओ इज इक्वल टू ए ओ, डी ओ इज इक्वल टू ए ओ, ऑल्सो सी ओ इज इक्वल टू बी ओ, सी ओ इज इक्वल टू बी ओ। और दोनों के लिए रीजन सेम रहेगा कि ये सब क्या है, ये सब आपके रेडियस हैं। ऑल्सो एंगल बी ओ बीओसी नहीं है, डीओसी है, सॉरी। तो एंगल भी तो हमको डीओसी लेना था, एक मिनट, यहां भी थोड़ी सी गलती है। एंगल डीओसी, एओबी ऊपर, डीओसी नीचे, डीओ इज इक्वल टू एओ, ठीक है। फिर उसके बाद सीओ इज इक्वल टू बीओ भी सही है। एंगल डीओसी यहां होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एंगल डीओसी इज इक्वल टू एंगल एओ बी।
और इसका रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीओसी बाय व्हिच एक्सियम, साइड एंगल साइड एक्सियम। तो देयरफॉर क्या हो गया इक्वल, एबी इज इक्वल टू सीडी बाय सीबी सीडी, ठीक है, सीबी सीडी से इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 7 कि इन फिगर 14.71 एपीबी एंड सीक्यूडी आर स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। तो यहां पे ये इंटरसेक्शन है और ये दो आपकी स्ट्रेट लाइन दी हुई है, यानी सीक्यूडी भी एक स्ट्रेट लाइन है, एपीबी भी स्ट्रेट लाइन ही है। प्रूफ करना है पहला तो कि एसी पैरेलल है किसके, बी डी के पैरेलल है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो एक एंगल ये लेते हैं हम लोग और वो इक्वल होगा किसके, इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और यही एंगल इस वाले एंगल के साथ कितना बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। बनाएगा नहीं, मेंशन करते हैं आपको अभी समझ में आएगा। एंगल क्यू पी बी, एंगल क्यू पी बी प्लस एंगल डी लिखता हूं मैं उसको शॉर्टकट में, डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, अपोजिट सम ऑफ, क्या लिखेंगे, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हो गया, QPB किसके इक्वल है, इंटीरियर C के। एंगल QPB इज इक्वल टू एंगल C, क्या है कि एक्सटीरियर एंगल जो वो होता है वो इंटीरियर अपोजिट के इक्वल है, ठीक है। और ज्यादा डिटेल में जाना है तो थ्योरम नंबर 10 लिख देना। अब यहां पे जो QPB है उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है। समझो QPB किसके इक्वल, QPB और D कितना हो रहा है 180। अच्छा इधर प्लस क्यों लिख दिया मैंने, हाँ प्लस भी लिखना है यहां पे, ये वाली इक्वेशन उठा के लाओ, एंगल डी तो ऐसे ही रहेगा लेकिन QPB की जगह पे क्या लिख दो, QPB की जगह पे एंगल सी लिख दिया हमने, ठीक है। क्या लिख दिया हमने, QPB की जगह एंगल सी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्या कर रहा है, फॉर्मिंग को इंटीरियर पेयर, देयरफॉर ए सी पैरेलल बी डी। प्रूफ हो गया, ठीक है। और क्या प्रूफ करना था, सी पी डी, सी पी और डी इज इक्वल टू ए क्यू बी, सी पी डी, एक मिनट, सी पी डी यानी यहां पे इसको इसके इक्वल प्रूफ करना था, तो पहले ये इस कर लेते हैं, ठीक है। सी पी डी हो गया, ठीक है, और इसको ए क्यू, ए क्यू बी के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम तुमको इसको बाहर ऐसे कर देते हैं, देखो मैंने ऐसे बाहर कर दिया, बाहर करके हम बता रहे हैं आपको बस, ये क्या है, ये आपका ए है, ये बी है और ये क्यू है। उसी तरीके से आप दूसरे वाले को भी देखने की कोशिश करना, ये दूसरे वाला ट्रायंगल, ये सी है, ये डी है, देखो बीच में कहीं क्यू आता मैंने स्किप कर दिया, ये आपका पी है। देखो ये वाली एंगल इस वाली एंगल के इक्वल है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। क्या लिखेंगे, जल्दी से लिखते हैं, एंगल क्यू ए बी
पहले ट्रायंगल देख लो, इन ट्रायंगल पूरा पूरा ए बी क्यू एंड ट्रायंगल कौन सी ले रहे हैं, सी डी पी, सी डी पी, ये दो ट्रायंगल हम लोगों ने ले लिया। अब इन दो ट्रायंगल्स के अंदर हम कौन सी एंगल ले रहे हैं, एंगल क्यू ए बी लिखेंगे पूरा, एंगल क्यू ए बी, जो यहां पे ये क्यू ए पी ही लिख देते हैं, एक मिनट, हाँ क्यू ए पी इज इक्वल टू एंगल पी सी क्यू, पी सी क्यू। रीजन क्या होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट, हो गया ये वाला। फिर उसके बाद दूसरा इधर भी देखो, यहां पे भी सेम चीज बनेगी, ये वाली एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगी, सेम कॉमन कॉर्ड से ही ये सबटेंड हो रही है सर्कमफेरेंस पे, तो एंगल पी बी क्यू, एंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी डी क्यू, पी डी क्यू, और इसके लिए भी रीजन सेम होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये किसका है, यही तो है, ये किसका है, यही तो है, ये इसके लिए, ये इसके लिए। अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गई, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी पी डी, तो देयरफॉर एंगल सी पी डी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, ठीक है, सिमिलर किससे हुई, ए ए एक्सिम से। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन विथ एनी साइड ऑफ रोम्बस एज अ डायमीटर पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स। हमने क्या लिया, हमने एक यहां पे रोम्बस लिया, ठीक है, हम यहां एक रोम्बस ले लिए। अब हमको ये प्रूव करना है कि हम किसी भी एक साइड को अगर एक डायमीटर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, डायमीटर, तो हमने इस साइड को डायमीटर लिया, तो जैसे ही हम सर्कल बना रहे हैं इसको डायमीटर लेके, तो ये जो सर्कल है ना ये पास कर रही है कहां से, थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के ही पॉइंट से ये पास कर रही है, कहीं और से पास नहीं कर रही है, ए बी सी डी और यहां पे ओ। चलो ऐसा करते हैं कि हम मान लेते हैं, ठीक है, हमने मान लिया कि चलो ये सर्कल यहां पास ना कर रही हो, ठीक, एक ये भी कंडीशन देख लो, ए बी सी डी मान लो ये पास नहीं कर रही है, ऑलरेडी तुमको पता है ये 90, अच्छा ये वाली एंगल कितनी होनी चाहिए, ये भी एंगल इन सेमी सर्कल 90 होनी चाहिए, क्या ये पॉसिबिलिटी है, देखो यहां पे ये ओ ले लिया और ये ई ले लिया, ठीक, इस वाले डायग्राम से भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेट द सर्कल इंटरसेक्ट एट ई, नॉट थ्रू ओ, ओ से ना इंटरसेक्ट करके ई पे इंटरसेक्ट कर रही है, चलो मान लिया, तो देयरफॉर एंगल सी ई डी, देयरफॉर एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, एंगल इन सेमी सर्कल। अच्छा एंगल सी ओ ई कितना होना चाहिए, एंगल सी ओ ई ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ
एंगल सी ओ ई, सी ओ ई इज ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल सी ओ ई, ये देखो ऐसे है ना, ये सी, ये ओ, ये ई, ये 90 और ये भी 90 पे, क्योंकि सर्कल क्या कर रही है, यहीं से पास कर रही है ना, तो ये भी 90 और ये भी 90 हो रहा है. एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री. जबकि सी ओ ई खुद ही क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, विच इज सेम एज इंटीरियर एंगल सी ओ ई, ठीक है. ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के इक्वल आ रही है और ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल विच इज सेम एज इंटीरियर एंगल सी ओ ई विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है. तो देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, क्या हो जाएगा, रॉन्ग, है ना. तो देयरफॉर एंगल सी ओ ई इज सेम एज सी ई ओ, ये दोनों एंगल एक ही हैं, ये इसी पे लाई करेगा, ठीक है. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर द सर्कल ड्रॉन विथ एनी साइड ऑफ रोम्बस एज अ डायमीटर पासेस टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है. तो इसका मतलब ये यही से पास करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास. इफ टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रैपीजियम आर इक्वल, नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रैपीजियम आर इक्वल, इट इज साइक्लिक, ये प्रूफ करके दिखाओ, या फिर एन आइसोसेलेस ट्रैपीजियम इज ऑलवेज साइक्लिक, ये प्रूफ करके दिखाओ. हाँ, तो कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं. सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल एबीई, इन ट्रायंगल एबीई एंड ट्रायंगल डीएफसी, डीएफसी एबी इज इक्वल टू डीसी, AB is equal to DC. और ये चीज क्या है, गिवन है, दिया हुआ है कि आइसोसेलेस ट्रैपीजियम है, दोनों साइड आपस में दोनों तरफ इक्वल है. AE is equal to DF. क्या लिखेंगे, AE is equal to DF. और ये क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बीच में, यहां डिस्टेंस, यहां डिस्टेंस, यहां डिस्टेंस, कहीं पर भी डिस्टेंस लेंगे वो डिस्टेंसेस इक्वल होंगे, तो AE DF के इक्वल हो जाएगा. ये दूसरी इक्वल चीज हमको मिल गई. एंगल AEB, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल DFC इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच, है ना, क्यों, परपेंडिकुलर से ये दोनों, तो therefore ट्रायंगल ABE congruent हो गया ट्रायंगल DFC के, by which axiom, by RHS axiom, तो therefore एंगल B is equal to एंगल C हो गया, हो गया. एंगल A plus एंगल B is equal to how much, 180 डिग्री, कैसे, को इंटीरियर एंगल होता है, क्या होता है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में, ये दो पैरेलल लाइन जा रही हैं, ये एंगल ए और ये एंगल बी, ये दोनों कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री को इंटीरियर. अच्छा, बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, बी किसके इक्वल है, तुम्हारा एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह क्या लिख सकते हैं, सी is equal to 180 degree, है ना, क्योंकि since B is equal to C, तो therefore हो क्या गया, दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 degree आ रहा है ना, sum of
सेम सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री या 180 डिग्री तो देयरफॉर ट्रेपेजियम इज साइक्लिक या क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। अगर दो अपोजिट एंगल्स का सम 180 आ रहा है इट मींस ये कैसे हैं साइक्लिक हैं। ठीक है ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स इन द फोर सेगमेंट्स एक्सटीरियर टू अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 6 राइट एंगल्स। कितना आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। ये एक हमने क्या ले लिया सर्कल, एक साइड दो साइड तीन साइड चार साइड, इसके सेगमेंट में बना एक एंगल, इसके सेगमेंट में बना दूसरा, इसके सेगमेंट में बना तीसरा और इसके सेगमेंट में बना चौथा चौथा। इसको प्रूफ करना है कि इज इक्वल टू 6 राइट एंगल, 6 9 54 540 डिग्री आएगा। तो देखो ये एंगल ये और ये और ये इसी का सम निकालना है। अब इसी में सिर्फ वो देखना जो हम आपको यहां लिख रहे हैं ए पी डी एस। ठीक है क्या लिखेंगे इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए पी डी एस, ए पी डी एस दिख रहा है ये और थ्री, ये थ्री और ये दोनों मिला के कितने होने चाहिए 180। कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। एंगल डी प्लस एंगल कितना 3, सिर्फ 3 जाना है ना, 1 2 3 4 पॉइंट है, यहां से इसको ज्वाइन कर दिया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सिर्फ ये दो एंगल, एंगल ए एंगल डी प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 2 राइट एंगल लिख देते हैं। यही प्रूफ करना है ना तो यही लिख देते हैं फर्स्ट। फिर इसके बाद इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए आर सी एस क्या लिखेंगे, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए सी ए आर सी एस क्या है ए आर सी एस। देखो यहां पे ए है आर है सी है एस है, दिख रहा है ये वाला एंगल 2 के बिल्कुल अपोजिट है ना, यहीं से देखो ये 2 3 4 पॉइंट है। तो एंगल सी प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। अब रीजन तो आपको पता ही है, हर जगह पे अगर देना भी होगा सेम देंगे, क्या देंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है तो 180 को हम 2 राइट एंगल लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। सिमिलरली अभी लास्ट वाले पे आओ, सिमिलरली इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए आर बी क्यू या ए क्यू बी आर, इन साइक्लिक लिख लो इसको भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए क्यू बी आर, कौन सा एंगल ये 1 वाला किसके अपोजिट जा रहा बी वाले के अपोजिट जा रहा, एंगल बी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 2 राइट एंगल। इसके लिए भी रीजन सेम और ये कौन सा हो गया थर्ड। क्या करेंगे पहला दूसरा और तीसरा ऐड करो, एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू हाउ मच इज इक्वल टू 2 राइट एंगल प्लस 2 राइट एंगल प्लस 2 राइट एंगल। ठीक है कितना आया DCB तो ऐसे ही रहेगा, इसको मिला के 1 2 3 क्या है 1 2 3 पूरा एंगल ए है, 1 2 3 क्या है पूरा एंगल ए है। तो ए प्लस बी प्लस
C plus D is equal to 6 right angles. ठीक है, देख सकते हो जो भी सेगमेंट में एक एंगल बना, दो बना, तीन बना, चार, ये चार के चारों का सम कितना है, इक्वल टू 6 राइट एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। 11 में है कि फिगर 14.74 द सर्कमफेरेंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ओडी परपेंडिकुलर बीसी, सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये सर्कम सेंटर है भाई, तो ये आपकी रेडियस रेडियस हो गई। प्रूव दैट बीओडी इज इक्वल टू एंगल ए, बीओडी ये वाली एंगल को हमको एंगल ए के इक्वल प्रूव करना है। क्यों, आसान नहीं है क्या? बिल्कुल होना चाहिए। देखो इन ट्रायंगल बीओसी, सबसे पहले किसमें देखो, इन ट्रायंगल बीओसी में, BOC में हम देखते हैं कि BO is equal to OC, BO is equal to OC, और ये दोनों ही क्या है आपके रेडियस हैं, एंड OD परपेंडिकुलर BC, एंड OD परपेंडिकुलर BC, ठीक है। अब देखो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर खींचोगे ना तो वो मीडियन का काम करता है, किसका काम करता है, मीडियन का काम करता है, एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। तो ओडी परपेंडिकुलर है बीसी के, दोनों साइड इक्वल है, तो देयरफॉर ओडी इज एंगल बाइसेक्टर, तो देयरफॉर एंगल बीओडी इज इक्वल टू एंगल डीओसी इज इक्वल टू हाफ एंगल BOC, ठीक है। ये दोनों बराबर और दोनों क्या है, पूरे का आधा है, ये लिख दिया हमने, तो BOD, BOD, COD का इक्वल, ठीक, और पूरे का ये आधा होता है, ठीक है। वो इसलिए लिखा है क्योंकि इसका अभी हमको काम है, इसकी जरूरत है। अब इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं कि इसमें अब ये देखो कि आर्क जो है तुम्हारा बी सी, ये सबटेंड करता है, सबटेंड्स एंगल बी ओ सी एट सेंटर एंड एंगल ए एट सर्कमफ्रेंस। अब यही आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा, यही आर्क वहां ऊपर सर्कमफेरेंस पे एंगल सबटेंड कर रहा है, तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू हाफ एंगल बी ओ सी, और हाफ बी ओ सी को क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ओ डी, क्या लिख सकते हैं हम, एंगल ए इज इक्वल टू ये, क्योंकि ये कहां से लेके आए, फर्स्ट, यहां पे रीजन क्या दे दोगे, फ्रॉम फर्स्ट, हम फ्रॉम फर्स्ट क्या लेके आए कि BOC को हम लिख सकते हैं एंगल BOD। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, अ सर्कल पासिंग थ्रू A एंड B मीट्स AD एंड BC इन द पॉइंट्स E एंड F रिस्पेक्टिवली। ये डायग्राम दिया हुआ है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, देख रहे हो एक पॉइंट यहां ए है, दूसरा यहां बी, तीसरा सी और यहां पे डी। अब यहां पे ये कट कर रहा है दूसरा वाला सर्कल यहां ई पे और यहां एफ पे, प्रूफ करना है कि ई एफ पैरेलल डीसी, ई एफ ये वाली लाइन जो है पैरेलल है किसके, इस वाली लाइन के, सी डी के, ये हमको प्रूफ करना है। तो यहां पर आप देखो तो ये जो चारों पॉइंट हैं ए ई एफ बी, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है ये साइक्लिक है छोटे वाले सर्कल के लिए, ए ई और ए बी एफ ई, ए बी एफ ई इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल ए ई एफ, नाम लिखा है ना तो नाम से भी कर देते हैं और ऐसे भी लिखते रहे, ए ई एफ
AEF is equal to 180 degree, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ये नाम के साथ करना है, कुछ एक्स्ट्रा जा रहा है तो तुम इसी से भी कर सकते हो, क्या सी जरूरत है। ऐसे मैंने डायग्राम यहाँ पे है तो नेमिंग है तो नेमिंग के अकॉर्डिंग कर दे रहे हैं बस। और यहां रीजन होगा कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हो गया। अभी इसके बाद अगेन ये तो हो गया पहला इक्वेशन, अब फिर से देखो ये जो ए बी सी डी है इसको तो इसने बोला ही है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी इज ऑल्सो साइक्लिक, तो देयरफॉर अगर वो भी साइक्लिक है तो एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। और रीजन जो ऊपर दिया मैंने वही सेम, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंगल बी का मतलब एंगल 1 से है, एंगल डी का मतलब एंगल 3 से है। अब ये हुआ सेकंड, तो हम ये देख रहे हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हो क्या रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। एंगल 1 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 किसके इक्वल हो गई, एंगल 3 के इक्वल हो गई। और ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब ये वाली दोनों लाइन पैरेलल हो, तभी ये एंगल्स करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और इक्वल होंगे, है ना। क्या होगा, ये फॉर्म कर रही है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो देयरफॉर कौन सी लाइन, EF पैरेलल DC, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड डी वाला। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और क्वेश्चंस भी आपको अब सॉल्व करना आसान हो रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।